नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले हिमाचल की खबर। हिमाचल प्रदेश में आज सीपीआईएम समर्थित ट्रेड यूनियन की हड़ताल रहेगी और ट्रेड यूनियन शोंगठोंग परियोजना के मजदूरों के समर्थन में उतरी है। सरकार पर ठेकेदारों को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है। आज से हड़ताल है सीपीआईएम समर्थित तमाम ट्रेड यूनियन की और शोंगठोंग परियोजना के मजदूरों के समर्थन में उतरी है ये ट्रेड यूनियन। सरकार पर ठेकेदारों को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है। मोहित प्रेम शर्मा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ शिमला से जुड़ रहे हैं। मोहित, आज से इस हड़ताल शुरू हो रही है सीपीआईएम की, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं इनकी? बिल्कुल श्रमी, देखिए जो मुख्य मांगे वो यही है कि जो शोंगठोंग परियोजना है उसमें जिस तरह से मजदूरों के साथ पिछले 3 महीने से जो वहां के सामने आ रहे हैं कि उन पर ठेकेदार जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, यानी उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल रहा है पहले, और दूसरा उनका जो 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 उनकी वीकली ऑफ होता है यानी एक सप्ताह में एक छुट्टी होती है वो उन्हें नहीं मिल रहा है, पीएफ जो है वो उनका नहीं कट रहा है, तो इस तरह की जो वो मूलभूत मांगे हैं उनको लेकर के जब मांगे उठाई थी मजदूरों ने, उसके बाद जो है पहली वहां पर जो कार्रवाई की गई थी ठेकेदारों द्वारा वो मजदूरों को निकालने की गई थी। उसके बाद कई मजदूरों पर मामला भी जो है वो दर्ज किया गया। मामला क्योंकि उसके बाद फिर ज्यादा बिगड़ गया और जो प्रबंधन है, परियोजना प्रबंधन है और मजदूर है आमने सामने हो गए, और इसके बाद वहां पर जो जिला प्रशासन है उसने धारा 144 लागू कर दी जो 12 किलोमीटर के तक के लिए थी और अभी भी वो लागू है। तो उसके बाद जो है एक मजदूर है उसकी खुदकुशी की जो खबर है वो भी आई थी इस परियोजना से। तो ऐसे में अब सीपीएम जो है पहले से ही समर्थन कर रही है लेकिन ये कह रही है कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है क्योंकि एक ठेकेदार जो है वो सरकार जो है उसमें एक जो अहम पद पर है उनका एक भाई भी ठेकेदार है, तो ऐसे में सरकार जो है संरक्षण दे रही है मजदूरों को जो ठेकेदार है उनको, तो मजदूर अब अपनी आवाज कहाँ उठाएं क्योंकि मजदूरों की आवाज तो दबा दी गई है उन पर मामला दर्ज करके, अभी भी मजदूर आंदोलनरत है वहां पर। तो अब सीपीआईएम जो है उसने ऐलान किया है कि जो ट्रेड यूनियन है खासतौर पर शिमला में और शिमला के आसपास वो आज हड़ताल पर रहेंगे। श्रमित, इसका खास असर जो है वो पड़ेगा होटल इंडस्ट्री पर जो कि एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री पर कही जाती है हिमाचल प्रदेश की, और दूसरा जो रेस्टोरेंट है, ढाबा है और जो कुली है और जहां पर भी मजदूर काम करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो रही हो सरकारी भवनों की या जो भी है, तो इस तरह के जहां पर मजदूर कार्यरत है और सीपीएम समर्थित जो ट्रेड यूनियन है वो आज हड़ताल पर रहेंगे, तो इसका खास असर जो है वो आज देखने को मिल सकता है लोगों को और खासतौर पर जो सैलानी है उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आज करना पड़ सकता है इस हड़ताल के। जी, इस हड़ताल को लेकर क्या कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं मोहित? जी देखिए, एक दो अगर पहलू देख लें अगर इस पे श्रमित, तो एक सीपीआईएम समर्थित जो ट्रेड यूनियन है और दूसरा कांग्रेस समर्थित ट्रेड यूनियन है, एक इंटक है और एक एटक है, तो ऐसे में अलग अलग प्रतिक्रिया जो वो मिलनी स्वाभाविक है क्योंकि राजनीतिक दृश्य से भी अगर देखें तो दोनों जो है वो अलग अलग है। तो ऐसे में जो एटक कांग्रेस समर्थित ट्रेड यूनियन है वो कह रहे हैं कि ये गलत किया जा रहा है सीपीआईएम द्वारा, यहां पर भी राजनीति जो है वो बीच में आती नजर आ रही है। बीजेपी जो है इस मामले पर खामोश है, भी बोलने को तैयार नहीं है लेकिन यह जरूर कह रही है कि सरकार कहीं ना कहीं इस मामले पर गंभीर हो और मजदूरों का जो उनको जो हक नहीं मिल रहा है और जो जायज मांगे हैं उन्हें पूरा करें क्योंकि सरकार खामोश है। और जो पहले जो सरकार की तरफ से जो श्रमित इस पर रिएक्शन जो पहले आया था वो यही था कि यहां पर जो है वो गुंडागर्दी करने का कोशिश की जा रही है सीपीएम द्वारा, तो यहां पर देखा जाए तो ट्रायंगल बन चुका है, पॉलिटिकल ट्रायंगल जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम है और अपने अपने ट्रेड यूनियन जो है वो अपने अपने हिसाब से जो है वो बातें कर रही है। तो अब बिल्कुल, तो चलिए आप इस पॉलिटिकल ट्रायंगल पर नजर बनाए रखिए, इसके अलावा हड़ताल को लेकर क्या कुछ प्रभाव रहता है इस पर भी आप नजर बनाए रखिए। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की कल और इसमें एम्स समेत प्रदेश के कई अहम स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर बातचीत की गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष सूबे से जुड़ी स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में चर्चा की जिसमें बिलासपुर में बनने वाला ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से जुड़ा मसला प्रमुख रहा।
मुख्यमंत्री ने मांग रखी है कि एम्स का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि सूबे के लोगों को इसकी सेवाओं का लाभ मिल सके। हेल्थ मैटर्स के बारे में था, जैसे एक बिलासपुर के अंदर जो है वो एम्स बन रहा है और ये छोटे मेडिकल साइंसिस बन रही है, निकाह को जल्दी से काम होना चाहिए उसके ऊपर। ऐसे ही हमारे और भी कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो जिसके बारे में मैंने बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि केंद्र से हिमाचल की कांग्रेस सरकार को पूरा सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह सूबे की वाजिब मांगे हैं। नहीं, हमें पूरा सहयोग मिलता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम वही मांगते हैं जो कि वाजिब है। आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को लेकर मुख्यमंत्री केंद्र को जमकर कोसते हैं, लेकिन स्वास्थ्य योजनाओं के मसले पर केंद्र के सहयोग को लेकर उनका रवैया सकारात्मक नजर आया। दिल्ली से पंकज कपाही, जी मीडिया। आगे बढ़ेंगे हम। 14 अगस्त को महेश्वर सिंह की पार्टी हिलोपा यानी कि हिमाचल लोकहित पार्टी का बीजेपी में विलय होगा। इस मौके पर बीजेपी के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। महेश्वर सिंह ने हिमाचल लोकहित पार्टी का गठन बीजेपी से अलग होकर ही किया था, अब दोबारा उनकी घर वापसी होने जा रही है। अपने इस फैसले के बारे में जानकारी देने के लिए विधायक महेश्वर सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शिमला से हमारे साथ है जी मीडिया संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। मोहित, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो घर वापसी हो रही है, पहले बीजेपी से अलग होकर ही अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद फिर से घर वापसी हो रही है, ये सब कुछ जो है 2017 को मद्देनजर रखते हुए ही हो रहा है, क्या कुछ इससे इस पर जो है सियासी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम पहले की बात कर लें, इस प्रकरण से पहले की बात कर लें श्रमित, तो महेश्वर सिंह जो है वो इनका कद एक बहुत कदवाल नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, और सांसद भी रह चुके हैं बीजेपी से मंडी के, और कई बार उन्होंने कड़ा मुकाबला भी दिया है। कई जो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है उनको भी कड़ा मुकाबला दिया है, कड़ी टिक्कर दी है। ऐसे में कई अहम पदों पर भी वो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पूर्व की जो धूमल सरकार थी उस समय उनके ताल्लुकात जो है वो बिगड़े, जो शीर्ष नेतृत्व रहा है प्रदेश का, उसके बाद उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा, और एक हिमाचल लोकहित पार्टी चुनाव से पिछले विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बनाई, जिसमें उन्होंने कई जगहों पर जो है कई विधानसभा क्षेत्रों में अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो भी मैदान में उतारे, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं की। सिर्फ एक सीट आई महेश्वर सिंह की और कुल्लू से जो है वो विधायक बने। उसके बाद जो है वो पार्टी जिस मजबूती के साथ आगे बढ़नी चाहिए थी राजनीतिक परिदृश्य से, उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि बैठकें कई चलती रही, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते रहे, रणनीति बनती रही। महेश्वर सिंह खुद जो है विधानसभा में भी अलग अलग मुद्दों को लेकर के वो सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे, विपक्ष पर भी उन्होंने हमला किया कई बार। तो अब कहीं ना कहीं अपना, क्योंकि 2017 में एक चुनाव है और हर नेता जो है वो पहले जो है वो अपना फायदा सोचता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी अब कयास लगाए जा रहे हैं, और ये भी एक चर्चा का विषय है कि महेश्वर सिंह क्योंकि अब कुल्लू से चुनाव लड़ेंगे, लड़ सकते हैं अगले विधानसभा जो कि अगले साल होने हैं, और दूसरी तरफ टक्कर देने के लिए उन्हीं जो है वो कोई एक मजबूत कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस से हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का जो एक मकसद है आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर करेंगे कि क्या एक वजह रही, क्योंकि जब वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके गए थे उस समय यही आरोप लगाए थे। अच्छा मोहित, यहाँ पर एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये बीजेपी की भी जरूरत है या सिर्फ महेश्वर सिंह की जरूरत है? देखिए इस समय अगर पहले अगर बात की जाए, पहला पॉइंट देखा जाए तो ये महेश्वर सिंह की जरूरत है बीजेपी ज्वाइन करना। दूसरा, बीजेपी के जो कई शीर्ष नेता है सूत्रों की माने तो वो नहीं चाहते थे कि महेश्वर सिंह की घर वापसी हो, और वो काफी अहम पदों पर हैं जो बीजेपी के नेता हैं हिमाचल प्रदेश से, लेकिन फिर भी क्योंकि यहां पर भी बीजेपी के जो है वो अब दो अलग अलग गुट हैं, तो ऐसे में एक गुट जो है हावी था और महेश्वर सिंह की वापसी जो है एंट्री उस पर हरी मोहर लग गई है। कौन सा गुट खुश है कौन सा नहीं, आज जो है श्रमिक खुलासा करेंगे कि क्या वजह रही। देखिए यहाँ पर अगर जो खबरों की माने सूत्रों की माने तो जो प्रेम कुमार धूमल गुट है, जेपी नड्डा गुट है, ये दो गुट जो है सक्रिय हैं अभी बीजेपी में, तो ऐसे में जो धूमल गुट है कहीं ना कहीं शुरू में ये खबरें आ रही थी कि वो विरोध कर रहा था, और बाद में फिर जो है दूसरे गुट की चली इसमें, और लेकिन अभी खुलकर जो है इस पर कभी सियासी बयानबाजी जो है ऐसी खबरों में होती नहीं, और खासतौर पर विधानसभा चुनाव में कोई बयान जो है वो ऐसे जारी करता नहीं है, ऐसी खासतौर पर बीजेपी की बात करें
तो आप जो है कहीं ना कहीं एंट्री जो हो गई है, जिस तरह से मैं बता रहा था महेश्वर सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो आज खुलासा कर सकते हैं वो कि क्यों उन्होंने फिर से जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने की सोची, इस पर भी जरूर वो बयान देंगे, और क्या वजह रही कि हिमाचल लोकहित पार्टी जो है वो नहीं चल पाई, क्योंकि इसमें जो है वो नेतृत्व की कहीं ना कहीं कमी रही, कोई शीर्ष नेता इस पार्टी में शामिल नहीं हो पाए उस समय जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, तो और उनका आगे चलकर किस तरह से लाभ होगा। और दूसरी तरफ अगर श्रमित देख लें तो कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए, यहां पर कांग्रेस शुरू से ये कह रही थी इस पूरे प्रकरण को लेकर के कि महेश्वर सिंह अगर बीजेपी में शामिल होते भी हैं तो कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा था कि उस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस अपनी पूरी निगाहें बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में राजनीति पर इसका खासा असर पड़ता दिख सकता है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाए रखिए क्या कुछ वो बयान देते हैं, इसके अलावा रिएक्शंस भी अहम रहेंगी, क्या कुछ रिएक्शंस आते हैं उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमाचल प्रदेश में नशे के लिए भांग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, लेकिन पुलिस ने अब इस समस्या को जड़ से खत्म करने का मन बना लिया है। हिमाचल प्रदेश में युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब हिमाचल पुलिस ने नशे की जड़ को ही उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। जी हाँ, पुलिस ने प्राकृतिक रूप से उगने वाले नशे के पौधे भांग को उखाड़ने के लिए एक अभियान की शुरुआत कर दी है। जहाँ भी जिले में भांग की खेती किसी भी जगह पर होगी उसको जो है नष्ट करेगी। इसमें आम पब्लिक, स्कूल, कॉलेजेस इस महाअभियान में सबको शामिल करने की कोशिश करेंगे और ये बहुत व्यापक स्तर पर इस महाअभियान को चलाया जाएगा। बारिश के मौसम में भांग के पौधे बड़ी संख्या में उगाते हैं, जिन्हें पुलिस ने नष्ट करने का फैसला लिया है। इस अभियान से समाज के अलग अलग वर्गों को भी जोड़ने की योजना है। आम लोग भी पुलिस की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। नशे की ये लत अब तक कईयों की जिंदगी लील चुकी है। हिमाचल में भांग का नशा बड़े पैमाने पर किया जाता है। पुलिस को उम्मीद है कि इसे नष्ट करने के बाद काफी हद तक इस नासूर बीमारी से छुटकारा मिल पाएगा। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।